Hey guys, welcome back to my channel. और in this video मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मेरी सासू माँ ने मेरे लिए क्या क्या बनाया है. एक्चुअली जो मेरी सासू माँ है वो घर पे रफ मटेरियल से कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं. सो उन्हें सिर्फ आइडिया चाहिए होता है कि हमें क्या चाहिए, वो वैसा का वैसा बना के दे देती है. सो मैं कभी मार्केट जाती हूँ और मुझे लगता है कि यार ये मटेरियल तो मेरे घर में है या ये वेस्ट मटेरियल तो मेरे घर में है और इससे ये चीज़ बन सकती है, तो मैं जस्ट मम्मी को कॉल लगाती हूँ और उनको बता देती हूँ ये बनाना है और वो जैसा मैं बोलती हूँ वैसा बना भी देती है. तो एक्चुअली मेरा ये पर्पज़ है ये वीडियो बनाने का कि आप रफ मटेरियल से कैसे अच्छी अच्छी चीज़ें अपने लिए बना सकते हैं विदाउट पैसा इन्वेस्ट किए हुए. तो गाइस मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताना चाहती हूँ. तो मेरी सासू माँ जो बहुत अच्छी है मेरे लिए कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बना दी हैं. सो गाइस यू कैन अंडरस्टैंड माय इमोशंस. सो चलिए मेरे वीडियो के साथ में स्टार्ट करते हैं. और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो गाइस इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना. ये चीज़ें कैसे बनती है वो तो मुझे नहीं पता, बट स्टिल मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ कि आप लोग भी जो ये चीज़ें हैं वो घर में बना सकते हैं. तो गाइस चलिए मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहिए. देखिए कि मैं यहाँ पे आपको कौन कौन से मटेरियल जो है वो बताने जा रही हूँ. सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ मेकअप किट. यू नो मेरे पास खूब सारा मेकअप का सामान है और जब आप लोग भी कहीं ट्रैवलिंग करते हो तो आपको अपना छुटपुट मेकअप का सामान साथ में ले जाना पड़ता है, तो उसको कैरी करने के लिए हमें मेकअप पाउचेस चाहिए होते हैं. तो यहाँ पे मैं आप लोग बड़ा और एक छोटा, यू नो हम ये ऐसे मेकअप के किट जो है अमेजोन, मिंत्रा और नायका यहाँ पे अवेलेबल हैं, बट उनका साइज जो होता है वो छोटा होता है, उसमें मेरे सारे सामान नहीं आ पाते हैं. इवन हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें मेकअप का सारा किट जो है वो कैरी करना होता है, तो उसमें सारे स्टफ जो है अपना मटेरियल जो भी होता है वो नहीं आ पाता है. तो मैंने मम्मी को जस्ट आइडिया दिया कि मुझे इस टाइप के मेकअप किट चाहिए, तो उन्होंने जो है रफ मटेरियल से इस टाइप के दो मेकअप किट जो मेरे लिए बनाए हैं, दो नहीं इवन बहुत सारे बनाए हैं, जो मेरी सिस्टर के लिए बनाए हैं, बहुत सारे लोगों के लिए बनाया उन्होंने. तो आप देख सकते हैं एक छोटा और एक बड़ा. इसमें इस टाइप की जिप है और इसमें जो मैं इजीली अपना सामान जो है सारा इसके अंदर कैरी कर सकती हूँ. तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस टाइप के बहुत ब्यूटीफुल किट बनाए हैं. आप लोग भी रफ स्टफ से जो है इस टाइप के मटेरियल बना सकते हैं. सेकंड जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है टॉप. एक्चुअली मेरे पास एक मिंत्रा का स्लीवलेस टॉप था, तो मैंने मम्मी को आइडिया दिया है कि इस टाइप के मुझे टॉप पहने. तो मेरे पास कुर्ता था जिसको मैं पहनते पहनते काफ़ी बोर हो चुकी थी, तो उससे मम्मी ने और कुछ मटेरियल रफ मटेरियल से मेरे लिए दो टॉप बनाए, दो नहीं बहुत सारे टॉप बनाए, मेरी सिस्टर के लिए भी बनाए थे. तो एज यू कैन सी मेरे हाउ टू स्टाइल वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा मैंने वहाँ पे ये टॉप पहने हैं. तो ये देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल टॉप है, ये पहनने के बाद बहुत सुंदर दिखता है. सेकंड जो ये टॉप है वो ये है, तो ये भी बहुत अच्छा टॉप है और मटेरियल भी बहुत अच्छा है. मैंने काफ़ी बार धो भी लिया है, इसको पहन भी लिया है, तो भी अभी तक ख़राब नहीं गया है. तो ये उन्होंने मेरे रफ मटेरियल से बनाया है. नेक्स्ट जो मैं आपको लोगों को दिखाने जा रही हूँ एक ब्यूटीफुल बैग है, ये हैंड बैग है. इसमें मैं आप कहीं पे भी जाते हो तो आपको एक दिन की ड्रेस चाहिए होती है या छोटा मोटा कोई भी सामान चाहिए होता है आप मार्केट जा रहे हो रखने के लिए, तो उन्होंने ये बैग बनाया है. इसमें इस टाइप की दो लेसेस हैं पकड़ने के लिए, तो ये भी उन्होंने रफ मटेरियल से बनाया है. आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया. उनको सिर्फ आइडिया दिया था मैंने, आई थिंक मैंने इसका आइडिया नहीं दिया था, उन्होंने ये मन से बनाया था, तो ये काफ़ी अच्छा बैग बनाया उन्होंने. नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ वो है ये एक डेनिम जीन्स. एक्चुअली मेरी जीन्स थी जो मैं पहनते हुए बोर हो गई थी, तो वो नीचे से ख़राब भी हो चुकी थी, तो मैंने मम्मी को आइडिया दिया कि ऐसी डेनिम की जीन्स की स्कर्ट बनानी है. तो मम्मी ने अपने आइडिया से ये स्कर्ट बनाई है. ये भी बहुत सुंदर है, पहनने के बाद में बहुत अच्छी लगती है. शीन वगैरह पे आप देखोगे तो आपको स्कर्ट मिलेगी. तो ये मैंने अपनी रफ जीन्स से ये स्कर्ट मम्मी से बनवाई है. तो आप लोग भी जो है ऐसे रफ जीन्स से जो है ऐसी स्कर्ट बना सकते हो. अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग आती है तो आप बना सकते हो. बहुत बहुत पसंद आई, उनका आइडिया भी बहुत अच्छा लगा मुझे ये. तो थैंक यू, अगर वो वीडियो देख रही हैं तो काफ़ी अच्छी बात है कि मैं बहुत इंप्रेस हुई इस स्कर्ट के साथ में. नेक्स्ट मैं आप लोगों को अगेन एक कैरी बैग बताना जा रही हूँ. लाइक आप मार्केट जाते हो या छोटा मोटा कोई भी सामान परचेस करना चाहते हो तो ये वेरी कॉमन बैग है, मार्केट में मिलता है, आप लोगों के घर में भी होगा. ये हैंडल होता है यहाँ पे इस टाइप से और ये इस टाइप से बड़ा बैग होता है. इसके अंदर काफ़ी सारा सामान जो है इसके अंदर आ जाता है. तो उन्होंने यहाँ पे एक जिप का डिज़ाइन दिया है और इस टाइप से जो इन्होंने रफ मटेरियल से एक बैग बनाया है जो कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है. आप लोग भी जो है जिसको थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है वो ये बैग बना सकते हैं. सो गाइज मेरे पास में अभी इतना ही सामान है जो उन्होंने मेरे लिए बनाया है. तो
अगर आप लोगों को मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो कि आप भी रफ मटेरियल से जो है काफी सारी चीजें बना सकते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। आई होप आप लोग की सबकी सासू माँ ऐसी हो, मेरी विशेष आप लोगों के साथ में। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय।